दोस्तों कई दिनों से मैं यहाँ पे ईयरबड्स Redmi ईयरबड्स को यूज कर रहा था और दोस्तों Redmi ईयरबड्स के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली और दोस्तों फिर मुझे पता लगा कि आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है जो कि मैंने टाइटल में भी डाला कि आप लोग अपने बड्स को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, अपने TWS डिवाइस को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ Redmi के साथ नहीं, ये मतलब सारी दुनिया के TWS के साथ है। और दोस्तों इसके दो तीन सॉल्यूशंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको हाउ टू सॉल्व ईयरबड्स चार्जिंग इशू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास Redmi के ईयरबड्स, दोस्तों जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ और या जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, दोस्तों ये दोनों चीजें ही किसी भी कंपनी के ईयरबड्स पे हो सकती हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आपका कोई और टाइप का ईयरबड है तो ये मत सोचना कि वो वर्क नहीं करेगी, 100% वहां पे भी वर्क करेगी। तो दोस्तों प्रॉब्लम नंबर वन, दोस्तों आपके जो ये ईयरबड्स हैं ये चार्ज नहीं हो रहे। दोस्तों अगर ये भी चार्ज नहीं हो रहे हैं आपके, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है जो कि आप लोग कर सकते हैं और उससे आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जो पहला सॉल्यूशन है उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा या तो WD-40 एक टाइप का स्प्रे आता है, या फिर मैंने यहाँ पे आइसो प्रोपाइल एल्कोहल यूज कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ भी एक पेन या पेंसिल टाइप की कोई चीज चाहिए रहेगी जिसका मैं अभी आपको थोड़ी देर में यूज बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक जो कपड़ा साफ करने के लिए होता है आपके चश्मे, वो वाला कपड़ा चाहिए, माइक्रोफाइबर क्लोथ कहते हैं इसको। अगर आपके पास ये भी घर में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कॉटन का कपड़ा भी आप लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है दोस्तों माइक्रोफाइबर क्लोथ और दोस्तों अपने ईयरबड्स को उठाना है और दोस्तों इसमें बिना कुछ लगाए आपको इसको यहां से इन पॉइंट्स को, इन कनेक्टर्स को साफ करना है। दोस्तों आप इन कनेक्टर्स को जैसे ही साफ करेंगे, इसके बाद आपको इन कनेक्टर्स को दोनों जगह साफ करना है, सिर्फ इसी पे नहीं करना, दोनों कनेक्टर्स को साफ कीजिए। अगर आपके दोनों ईयरबड्स नहीं वर्क कर रहे हैं या चार्ज नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपके ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर दोस्तों ये दोनों करने के बाद भी आपके स्टार्ट नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो कनेक्टर दिख रहे हैं अंदर, ये जो पिंस दिख रही हैं आपको दो, आपके उसमें भी दिख रही होंगी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इनको भी साफ कर लेना है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। दोस्तों याद रहे यहाँ पे कोई डस्ट ना हो, कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसी की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाते ढंग से आपके ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर, जिसकी वजह से चार्जिंग इश्यूज आते हैं। अब लेट सपोज दोस्तों आपको ये करने के बाद भी यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती, तो दोस्तों आपको क्या करना है उस केस में, दोस्तों उस केस में आपको यहाँ पे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेना है या फिर कोई भी किसी टाइप का एक एल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन लेना है जिसको आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे थोड़ा सा लगा लेना है। और दोस्तों उसको थोड़ा सा लगाने के बाद उसको दोस्तों थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा आपको एक बूंद टाइप्स टच करा देनी है, क्योंकि हम लोग ज्यादा गीला नहीं करना चाह रहे, दोस्तों बिल्कुल उसको बिल्कुल हल्का सा करके, और आपके पास एक जो मैंने आपको पेन का बताया था उस पेन को लेना है, उस पेन के चारों ओर इस नीडल को लपेट लेना है ताकि एक कॉर्नर बनाए आपका जो कि शार्प एज कॉर्नर हो। ठीक है दोस्तों, अब ये शार्प एज कॉर्नर है, इससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साफ कर लेना है। दोस्तों जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी साफ हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे WD-40 का भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी एक स्प्रे आता है, उससे भी आपका ये काम बन सकता है। दोस्तों इसको ऐसे करके साफ करके सिमिलरली आपको इन पॉइंट्स को भी एक नोक वाली पिन से इनको साफ कर लेना है। दोस्तों याद रहे वो नोक वाली पिन कहीं इसमें से निकल ना जाए और वहां पे पेन चल जाए, तो ऐसा काम मत करना। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपके ये जो ईयरबड्स हैं ये 100% चार्ज हो जाएंगे। अगर दोस्तों तब भी चार्ज नहीं होते तो क्या करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे आपको अपने इसको ढंग से फिट करके देखना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग इनको ऐसे प्लेस कर देते हैं और दोस्तों प्लेस करने से वो चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वो कई बार टेढ़े मेढ़े प्लेस होते हैं और ढंग से पिन में नहीं लग पाते। तो दोस्तों आपको इनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रेस करने से ये थोड़े अंदर जा रहे हैं और पहले ऐसे बाहर था ये देखिए,
पहले ये ऐसे बाहर था, इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे थोड़ा अंदर चला जाएगा और वो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर ये सब कुछ भी चार्ज करने के बाद आपके चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती है तो दोस्तों फिर आपको अपने Redmi या जो भी कंपनी का आपने ले रखा है उसके सर्विस सेंटर में दिखा लेना चाहिए, क्योंकि देन ये इशू कुछ और होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली तो नीचे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट विल हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल।